हे गाइस, हाउ आर यू? व्हाट्स अप? कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे. सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस. फिलहाल टाइम हो रखा है 4:23 हो रखे हैं. मैं स्कूल से आया था, एक घंटा हो गया होगा. अभी 10 मिनट से तो मैं छत पर ही बैठा हूँ क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है. नीचे तो थोड़ी बहुत गर्मी है बट छत पर बिल्कुल अच्छा मौसम हो रखा है. वाह, थोड़ा घूम लेते हैं, बहुत देर हो गई बैठे हुए. एंड एक पोपट कर दिया था गाइस बिल्ली ने मेरा बिल्कुल ही. पता है क्या हुआ? जैसे ही स्कूल से आया, जैसे ही रूम ओपन किया, क्योंकि मैं बंद करके चला जाता हूँ, उसमें मेरा कैमरा वगैरह और स्टैंड वगैरह वो सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो कोई ओपन वगैरह करती नहीं है मम्मा, वो ऐसे ही रखा रहता है. आकर देखा तो उसके अंदर बिल्ली घुसी हुई थी. बहुत देर से अंदर ही थी, मतलब पूरी मस्ती मचा रखी थी बिल्ली ने. सारी चीज़ें उथला पुथला दी, गिरा दी बेडशीट पे, मतलब पूरी बैंड बजा दी. और मौसम तो आप सबने देखा ही है कितना अच्छा हो रखा है. कल भी ऐसा ही मौसम था, परसों भी ऐसा ही मौसम था. सो मेरे को तो फ़ायदा ही है, बिल्कुल मौज होती है. प्रतीक बुला रहा है नीचे, क्या हो गया? हाँ ये कहाँ पे मिला तेरे को? कहाँ पर है? कहाँ पर? अंदर है? अच्छा, स्टोर रूम में पड़ा था. कहाँ पर लगाए? उस साइड तो गाड़ी पार्क कर रखी है, फिर वहाँ पर तो लगेगा नहीं. अपने रूम के आगे लगा लेते हैं, है ना? तो चलिए नीचे चलते हैं. वो प्रतीक बुला रहा था कि उसका पंचिंग बैग लगा देते हैं. पहले लगा रखा था, वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी तो हमें वो हटाना पड़ा इसीलिए. ओहो, मेरे को वो मिला ही नहीं, इतने दिन हो गए, पता नहीं कहाँ था. अब फाइनली उसे मिला है प्रतीक को, लगाते हैं उसे. ओके, बोल. यहाँ पर लगाने के लिए वो उग तो नहीं आया. हाँ आइडिया अच्छा है, वहाँ से निकाल के लेके आते हैं. गाइस गाइस, वहाँ पे उग तो था नहीं, तो वहाँ से निकाल के लाएंगे. वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, तो जतीन अब सीढ़ी लेके आ रहा है, दिखाता हूँ मैं. देखो गाइस, अब जतिन ऊपर चढ़ते हुए. अब आज तो नहीं पहुंचेगा मेरा, अब क्या करूं? तो पहले आइडिया लेके जाना था ना. यहाँ पे रख लेते हैं, वो गाड़ी टूट जाएगी. अरे हाँ, कुछ नहीं हुआ. अरे टूट जाएगी ये गाड़ी, ऐसी है. ले वॉच पकड़, एक वॉच. गाइस इसका वो एक वॉच पकड़ना होना चाहिए, एक इसकी वॉच पकड़े. अब लगेगा, देखियो यहाँ पे लटका देते हो. ये सही है स्टाइल, ये तो भूल ही नहीं रहा. जाम हो रखा है तो इतने दिन हो लिए. याहू बाहुबली निकल गई पोटी. अरे फंस गई है, कॉर्नर पे खड़ा पड़ेगा. अरे खुल तो गया थोड़ा सा. मुन्ने ने जोर लगा दिया और पोटी निकल गई. बढ़ जा, तू इतनी बेइज्जती नहीं करते, फिर मैं तेरी करूंगा. अच्छा फिर कहाँ जाएगा? फिर क्या जाएगा, ब्लॉग ही नहीं बनाऊंगा मैं अभी तक तो. बस ही ड्राई कर. अरे क्या कर रहा है? बस हो गया, हम नीचे आए. मैं कूदेगा, बच गया, कूद गया गाइस. वहां पर लगाते हैं, चल ले पकड़ इसे, पकड़ ले पकड़. चलो लगा देते हैं गाइस इसको जल्दी से. ये सारी चीजें तो मैं उतार लाया गाइस वहां से, अब यहां पर लगाए मैं ऊपर. तो अब सीढ़ी पकड़ने वाला चाहिए कोई. प्रतीक तो गुस्सा हो गया, मतलब उसको पता नहीं क्या, तभी गुस्सा हो जाता है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है. घुसैल गए क्या? जब भाग जा तू यहाँ से, सीढ़ी में दादी जी से पकड़वा लूंगा. एक बार इधर आना दादाजी, सीधे पकड़ी हो यहाँ पर पकड़ लो सीधी, और ये बाद में दे दियो मेरे को, ठीक है? मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ. कौन सी साइड लगाए? बीच वाला वाला क्यों? हो गया फुल टाइट. लाओ ये पकड़ा दो, नीचे 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 ले जाओ.
ऊपर जमीन पर पड़ा बस। और कहाँ सही है तो हो गया, देखियो साइज ठीक है क्या? पंचिंग बैग है तुम्हारे ऐसे हो? अरे पंचिंग बैग बोलो, पंचिंग बैग, पंचिंग बैग, हाँ पंचिंग बैग, ऐसे पंचिंग करते हैं ऐसे पंचिंग बैग, छोटा सा है ना पंचिंग का, देखो गलो से लेकर आता हूँ ये पैर लिखे ले लेको ऐसे नहीं, इस पर तो मुठा डाल लो ऐसे, आधा फोकस कर लो, मिले आधा बना के ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यो वाला आथरा ये हाथ डाल लो उसके अंदर, और अंगूठा इसके अंदर ले जाओ, और उंगली ऐसी दी इसके अंदर, यहाँ पर आया तो नहीं अंगूठा आ गया, और उंगली गई सीधी चूड़ियों को पीछे। देखिए गाइस आज जतिन दादी जी को क्या पहना रहा है, आज बॉक्सिंग खिलाएगा अपनी दादी से भी, अभी दादी पोता दोनों वर्ल्ड कप जीत के लेके आएंगे। ये बस छोटा सा है, ये प्रतीक वाला है, ये बॉक्सिंग है, वो बड़े वाला तो हाँ ऐसे फोल्ड कर लो मुझे, ऐसे हाँ ऐसे कर लो बस, हाँ अब ऐसे हाँ बड़े को सुन ऐसे क्या बने, हाँ न्यू कर सकता एक हाथ में एक ऐसे, अरे ऐसे नहीं आता देखिए गाइस आज जतिन दादी जी को बिल्कुल परफेक्ट करके छोड़ेगा। अरे रुक ऐसे नहीं रुको, जैसे ही पास आना है इसने रोकने के लिए ये वाला ऐसे पंच करो, फिर जैसे रुक जा रहा है दूसरे हाथ से ऐसे सीधा करके ऐसे मारो, देखो ऐसे जैसे उस साइड से आ रहा है तो ऐसे ऐसे हाँ, और पंजों पे जंप करते हो ऐसे, अरे करो करो, अरे देखिए गाइस जतिन की दादी जी तो बहुत अच्छा खेल रही है, देखो दादी जी इतनी ज्यादा एक्साइटेड होगी, रुकी नहीं हो, मतलब प्रतीक का हमने यहाँ पर पंचिंग बैग लगाया ना मैंने अभी, दादी जी ऐसी बोली कि ये क्या चीज होती है, फिर मैंने दादी जी को यहाँ पर ग्लव्स वगैरह सारी चीजें पहना दिया, ऐसे तो दादी जी बहुत मतलब एक्साइटेड रहती है, मेरी वीडियो भी बनाओ यार, तुम सारा दिन अपनी वीडियोस बनाते रहते हो, देखिए थोड़ा बहुत बताया बिल्कुल अच्छे से कर रही हैं, मारने को मत ही नहीं बना हुआ है, एक्सपीरियंस पूछते हैं दादी जी से कैसा लगा ये दादी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल फिट हो गया, एंड दादी जी अपनी कम्प्लीटली थक चुकी हैं, देखिए बिल्कुल इतनी बॉक्सिंग कर लिया आज आपने, थक गया ना ना पूरा एंजॉय किया दादी जी ने, हमने बेरो नहीं था नहीं हाँ है, और अच्छा लगा आपको, अच्छा लगा तो डेली करेंगे और करा हाँ। सो गाइस अब अपना काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने पंचिंग बैग को प्रतीक के लेवल में कर दिया है, उसके साथ छोटी सी रस्सी और अटैच कर दिया तो वो उसके लिए परफेक्ट है, अब हमें कुछ और नहीं करना, सारा काम हो गया। एंड दादी जी ने आप सबने देखा ही होगा व्लॉग में, दादी जी भी आए थे, मतलब व्लॉग को चार चांद लगा दिए, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए गाइस, दैट इतनी ओल्ड एज में भी बिल्कुल एनर्जेटिक रहती है, हमेशा एक्साइटेड रहती है, वीडियोस बनाने के लिए कहती है, मेरी तो वीडियो बनाती ही नहीं, तुम अपनी अपनी वीडियोज़ बनाते रहते हो सो फिर ऐसी मजाक या फनी टाइप की हैं। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब कर देना, एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, आई विल प्रोवाइड यू माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके बाय गाइज, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।